वफादारी खरीदी नहीं जा सकती, इसे कमाया जाता है। इस वाक्य में बहुत गहराई है दोस्तों। हमें अपनी वफादारी कभी भी किसी भी हालत में बेचनी नहीं चाहिए। लोग नौकर चाकर रखते हैं, बड़े लोग बॉडीगार्ड रखते हैं, ये सोचकर कि वो किसी भी परिस्थिति में उनकी रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं, क्योंकि उनको इसी बात का तो पैसा दिया जाता है, और यह बात सही भी है। लेकिन तब ही जब तक कि वचन निभाना और वफादारी दिखाना नैतिकता के दायरे में आता हो। सवाल यह है कि हमें किसके प्रति वफादार होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, किसी संगठन के प्रति या किसी संस्थान के प्रति? तो जवाब है, इनमें से किसी के प्रति भी नहीं। जब कोई इंसान किसी व्यक्ति या संगठन से वफादारी निभाने का वादा करता है, तब वह वास्तव में यह कह रहा होता है कि तुम अगर दिन को रात कहोगे तो वह मेरे लिए रात होगी, और अगर रात को दिन कहोगे तो दिन। तुम चाहे नशीली दवाओं का व्यापार करो या दुश्मन देशों के जासूस बन जाओ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। ऐसे व्यक्ति को वफादार और वचनबद्ध होने की संज्ञा देना क्या सही है दोस्तों? ऐसे व्यक्ति को गुलाम ही कहा जाएगा। असल में हमारी वफादारी मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति होनी चाहिए, और हमें किसी भी अनैतिक व्यवहार का समर्थन नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जिन्हें वफादारी का सही मायने नहीं पता, वो इंसानियत के लिए बहुत ही बड़ा खतरा साबित होते हैं। ऐसे लोग विकृत मानसिकता के गुलाम होते हैं, और ऐसा ही एक गुलाम था ब्रिटिश जनरल रेग्नल डायर। जलियांवाला बाग में जनरल डायर के नेतृत्व में सैकड़ों मासूम और निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाई गई, और वह इस बात को साबित करते हुए मर गया कि वह ब्रिटिश सरकार के प्रति वचनबद्ध था। 1918 के नवंबर महीने में भारत देश की प्रत्येक श्रेणी मानव आर्थिक कष्ट के तेज बुखार से तप रही थी। भारतीय प्रजा की बेचैनी को नाम मात्र के शासन सुधारों और मारपीट से शांत ना होता देख अंग्रेजी सरकार ने इंग्लैंड के हाईकोर्ट के जज मिस्टर जस्टिस रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जिसका नाम रॉलेट कमेटी रखा गया। इस कमेटी का गठन 10 दिसंबर 1917 को किया गया। इसका उद्देश्य भारत में हो रहे स्वतंत्रता आंदोलनों को शांत कराना था। लेकिन इस कमेटी ने भारत के जोशीले देशभक्तों द्वारा किए गए आंदोलनों को बढ़ा चढ़ाकर बड़े उग्र रूप में ब्रिटिश सरकार के आगे चित्रित किया। इसके बाद 21 मार्च 1919 को इस कमेटी ने एक कानून बनाया, जिसका नाम रॉलेट एक्ट रखा गया, और इसे भारतीयों द्वारा काला कानून भी कहा गया, क्योंकि इसमें भारतीयों की बची खुची स्वतंत्रता को भी छीन लिया गया था। रॉलेट एक्ट के तहत हमारे दो इंपोर्टेंट लीडर्स डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया। इस पर जनता भड़क गई और इसका विरोध करने लगी। इस दमनकारी कानून के प्रति अपना रोष प्रकट करने के लिए जलियांवाला बाग में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए। इस भीड़ में सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के पावन मौके पर अपने परिवार के साथ स्वर्ण मंदिर आए थे। उस भीड़ में वो औरतें बच्चे भी थे जो पास के गांव से सिर्फ मेले में घूमने आए थे। उनको ना तो रॉलेट एक्ट की जानकारी थी और ना ही डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल की अरेस्ट की। आंदोलनकारियों ने इस बैसाखी वाले दिन का चुनाव इसलिए किया कि लोगों को अंग्रेजों द्वारा की जा रही मनमानी के बारे में बता सकें और आंदोलन को बड़े से बड़ा रूप दे सकें। अगर इतिहास के दस्तावेजों की माने तो जलियांवाला बाग में उस समय 25,000 से ज्यादा भारतीय मौजूद थे। साल 1919 13 अप्रैल वो बैसाखी के दिन पंजाब का अमृतसर और अमृतसर में जलियांवाला बाग। इस दिन ब्रिटिश लेफ्टिनेंट जनरल रेग्नल डायर गुरखा सिंह पठान और सिंध राइफल के 50 जवानों को लेकर जलियांवाला बाग पहुंचा। जलियांवाला बाग में आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वह भी 4 से 5 फुट ही चौड़ा था। उस पर भी डायर ने तोप खड़ी करवा दी थी और वहां बिना चेतावनी के गोलियां चलाने का आदेश दिया। गोली 303 राइफल से चलाई गई, जिसे 303 भी कहा जाता है। डायर की क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां पर 15 मिनट के अंदर 1650 राउंड गोलियां चलाई गई, और वो तब तक अंधाधुंध गोलियां बरसाते रहे जब तक कि गोलियां खत्म नहीं हो गई। उस समय कांग्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार 10,000 से ज़्यादा भारतीय मातहत तरफ से मर गए, और ब्रिटिश हुकूमत ने बात को दबाने के लिए अपनी रिपोर्ट में सिर्फ 350 से 370 लोगों को मरने का जिक्र किया। इस अमानवीय नरसंहार की जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया गया, लेकिन हंटर कमीशन और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी जनरल डायर को ही सपोर्ट किया, और दिखावे के लिए उसे कमान से हटा दिया गया और रिजाइन करने के लिए कहा गया। उसके बाद वह ब्रिटेन लौट गया, जहां उसे अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो लगभग 10 करोड़ रुपए दिए गए इनाम के तौर पर। अंग्रेजों को लगता था कि उसने बहुत वीरता का काम किया है, और वहां के मॉर्निंग पोस्ट अखबार में एक अभियान चलाया गया था जिसमें ये 10 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। बाद में भी डायर अपने किए गए काम को सही ठहराते हुए आर्टिकल लिखता रहा, और 23 जुलाई 1927 को ब्रेन हेमरेज से उसकी मौत हो गई।
दोस्तों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि क्या इस अमानवीयता को वफादारी का नाम दिया जा सकता है? क्या आपको नहीं लगता कि हमारी वफादारी सिर्फ और सिर्फ मूल्य और सिद्धांतों के प्रति होनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि हमें ना तो किसी अनैतिक व्यवहार में भागीदार होना चाहिए और ना ही किसी ऐसे संस्थान का समर्थन करना चाहिए जो ऐसे कार्यों में लिप्त हो? आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, इस वीडियो से हटकर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। बदलाव सिर्फ हमारे और आपके सोचने से या उम्मीद करने से नहीं होंगे। हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहें और हमारे आसपास हो रही सारी गलत चीजों का जिम्मेदार हम औरों को बताते रहें, क्या ये सही है? ये सिर्फ और सिर्फ बेईमानी भरा व्यवहार है। बेईमानी अपने आप से, बेईमानी अपने बच्चों से, बेईमानी उनकी आने वाली नस्लों से और बेईमानी इस समाज से। लोगों का कहना होता है कि हम क्या कर सकते हैं, जो लोग सत्ता की ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठे हैं, जब वो ही नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं बदलने वाला। बदलाव ऊपर से नीचे की ओर होता है, जबकि ये बिल्कुल गलत धारणा है। अगर आप ड्राइवर हैं और गाड़ी चलाते वक्त आपकी गाड़ी से किसी को टक्कर लग जाए और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा आपका मालिक ये कहे कि उसे देर हो रही है, गाड़ी रोकने की कोई जरूरत नहीं, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? आपका फर्ज बनता है कि आप गाड़ी रोककर ये देखें कि उसे कितनी चोट आई है, बिना इस बात को सोचे कि आपकी गलती थी या उसकी गलती थी। आप महीने के आखिर में अपनी मेहनत का पैसा पाते हो, वो आपके हुनर का, काम के प्रति आपकी लगन का और मेहनत का पैसा होना चाहिए, आपकी आत्मा को बेचने का नहीं। और आपके सोकॉल्ड मालिक ने आपकी सर्विसेज को खरीदा है, आपको नहीं। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, काम करने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। शर्म हमें पैसों के लिए खुद को बेचने में महसूस होनी चाहिए। शर्म तब आनी चाहिए जब ऐसे अनैतिक लोग, जिनको किसी की जान से ज्यादा कीमती अपना समय लग रहा होता है, उनको मालिक अपना अन्नदाता समझने में आनी चाहिए। आपको अपनी आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए और रोड पर पड़े उस चोट खाए इंसान को डॉक्टरी सुविधा दिलाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे आपकी नौकरी ही क्यों ना चली जाए। अगर आप अपने छोटे से लालच, अपनी नौकरी के लिए नैतिक मूल्यों से समझौता कर सकते हैं, तो इस देश के कानून बनाने वालों का, इस देश को चलाने वालों का लालच तो तुलना में बहुत बड़ा है। तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो ईमानदार और नैतिकतावादी हों? और अब आपको उन्हें दोष देना बंद कर देना चाहिए। बदलाव ना नीचे से शुरू होता है ना ऊपर से, बदलाव खुद से शुरू होता है। अपने काम में, अपने जीवन में आत्मसम्मान की भावना को लेकर आओ, खुद को बदलो, आपको समाज बदलता नजर आएगा। जिस तरह अनुशासन के बिना आजादी बर्बादी लाती है, उसी तरह मूल्यों और सिद्धांतों के बिना समाज नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को, जिसका नाम है गुरु मित्रा, सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाइए। अगर आप किसी भी विषय पर कोई वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हमारी वीडियो में अपने प्रश्नों के उत्तर मिले। धन्यवाद।